Swing Phantom 105 Gaming Award Steelbus Guys रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च हुए, 2000 रुपीज प्राइस रखा गया है। दो ईयरबड्स यहाँ लॉन्च हुए थे, 105 एंड आई थिंक 100 करके दो ईयरबड्स लॉन्च हुए थे। प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं, जस्ट 200 का है। एंड एक में आपको मिलते हैं प्लास्टिक की ईयरटिप्स, दूसरे में सिलिकॉन वाली। ये सिलिकॉन वाले हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको अनबॉक्स करके प्रोडक्ट दिखाया जाए कि किस टाइप के विंग के ईयरबड्स टीटूलर्स आपको मिल जाते हैं। फर्स्ट टाइम विंग का कोई भी प्रोडक्ट हमारे चैनल पे अनबॉक्स हो रहा है गाइस, तो आपके सपोर्ट रिक्वायर्ड है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड देख लीजिए पूरी अनबॉक्सिंग इस प्रोडक्ट की। तो गाइस 2000 रुपये हमने पे किए थे इस प्रोडक्ट के लिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अगर आपको एक गेमिंग ईयरबड्स लेने हैं एंड आपका बजट अराउंड 2000 रुपीज़ है, देन मे बी आप इनके लिए ट्राई कर सकते हैं। बट उससे पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो विंग फैंटम करके, फैंटम ऊपर लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। एंड विंग रिसेंटली लॉन्च लाइक फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गेमिंग ईयरबड्स पे, तो काफ़ी सारे गेमिंग ईयरबड्स यहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं इस ब्रांड की ओर से। तो फर्स्ट टाइम हमें प्रोडक्ट को अनबॉक्स करने का मौका मिला एंड काफ़ी टाइट ये जो है दिया गया इसका कवर, तो वो रिमूव कर लेते हैं। फाइनली कवर तो ऊपर वाला रिमूव हो गया एंड प्रोडक्ट यहाँ से ओपन होके आपका आ जाता है। तो ये आपका आता है RGB कलर के साथ। एंड अगर आपको याद हो तो एक प्रोडक्ट है BTG 3, वो भी RGB लाइटिंग के साथ आता है। तो यहाँ पे इस पोर्शन में ये लाइट आपको देखने को मिलेंगी एंड इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, दूसरी चीज़ें देखते हैं। तो नो हैप्पीनेस, नो हैसल गारंटी। ओके, नो हैसल गारंटी, 1 ईयर वारंटी है। बुकलेट दी गई है लंबी चौड़ी, यहाँ पे सिलिकॉन टिप्स एंड टाइप सी चार्जिंग केबल होपफुली आपकी होनी चाहिए, तो वो मिल जाता है। तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है लाइक टाइप सी का, तो ठीक है, बट जो एयर टिप्स हैं वो कोई भी प्लास्टिक रैप में नहीं दिए गए हैं तो वो खो जाती हैं, तो इस टाइप से नहीं करना चाहिए ब्रांड्स को, बट क्या कर सकते हैं। प्रोडक्ट के फीचर्स बाद में बात करें, बट फर्स्ट यहाँ पे ओवरव्यू करते हैं। तो ये आपको मिलता है थोड़ा मैट फिनिश, प्रोडक्ट का नेम एंड लोगो साथ ही दिया हुआ है। देन आप इसको ओपन करेंगे एंड जो नीचे की तरफ पीछे जो दिया गया टाइप सी चार्जिंग है, तो करना क्या है, कैसे ये ऑन होता है, तो आप इसको जस्ट ऑन करके पुट करेंगे तो ये RGB जो लाइट है ये आपका कलर ऑलरेडी चेंज करने लग जाएगी। एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट दिया गया है तो वो भी आपका यहाँ पे चलता रहेगा। तो गाइज प्रोडक्ट के फीचर की बात करें तो ये आता है ब्लूटूथ 5.1 की कनेक्टिविटी के साथ, जो कि कुल मिलाकर ठीक है। IPX5 की रेटिंग यहाँ पे मिल जाती है। ENC है, इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट है। 13mm के ड्राइवर हैं, 40mAh लेटेंसी है, क्योंकि ये हैं गेमिंग ईयरबड्स। सिंगल टाइम बैटरी बैकअप की बात करें तो गाइज 18 घंटे विंग आपको प्रॉमिस करता है सिंगल टाइम चार्जिंग के बाद बैटरी बैकअप, बट देखना ये होगा कि वो टोटल बैटरी बैकअप है नहीं। टोटल बैटरी बैकअप गाइज 60 आवर्स, जो कि 18 घंटे आपको एक बार चार्ज करने के बाद मिल जाता है, तो कुल मिलाकर ठीक है। एंड हम इसको पेयर कर लेते हैं। गेमिंग रिव्यू में भी मैं आपको शो ना करूं एंड प्रोडक्ट की डिटेल्स तो यहाँ पे साउंड टेस्ट एंड और थिंग हम दिखा देंगे। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, कर लीजिए। कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, मे भी आपके पैसे सेव हो सकते हैं जो प्रोडक्ट हैं उनको ना खरीद के। तो काफ़ी प्रोडक्ट हैं जो जस्ट नेम के लिए आते हैं, फॉर द नेम सेक ये आज के हैं, आपके कनेक्ट हो चुके हैं, 100% बैटरी है। साउंड टेस्ट कर लेते हैं, बट अगर आप ओवरव्यू यहाँ पे देखें तो आपको कुल मिला के ठीक ठाक ये ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज हम इसको इन ईयर फिटिंग वगैरह चेक कर लेते हैं। तो गाइज ईयरबड्स मैंने यहाँ पे पुट कर लिए हैं कान में एंड ईयर फिटिंग वगैरह कुल मिला के ठीक है, ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं लगी। अगर आपको पसंद नहीं है देन डेफिनेटली आप जो इसके साथ एक्स्ट्रा टिप्स है वो यूज़ कर सकते हैं।
इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, एंड आइसोलेशन कान में ठीक ठाक तरह से आपको मिल जाती है। तो अगर बात करूँ साउंड क्वालिटी की गाइस, साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लगे। बेस एक्स्ट्रा दिया गया एंड जो कम म्यूजिक वाले गाने होते हैं जैसे लाइक सैड काइंड ऑफ सॉन्ग, वहाँ पे भी बेस भर भर के आपको मिल जाता है, तो बेस वाइज कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वॉल्यूम लेवल भी आपको सफिशियंट दिए गए हैं, वॉल्यूम लेवल वाइज भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 2000 रुपीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे साउंड एंड एवरीथिंग काफ़ी अच्छी दिख रही है। सबसे हाईलाइट यहाँ पे चीज़ है 40 ms की लेटेंसी एंड 18 hours का सिंगल टाइम चार्जिंग टाइम। सिंगल बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा 18 घंटे। तो अगर आपको वो चीज़ मिलती है 18 की जगह 12 घंटे मान के चले ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है गाइस। 12 घंटे कोई भी ईयरफोन्स को यूज़ नहीं करता है, नॉर्मली 3-4 और मे बी 2 hours का मेनली लोगों का काम रहता है। तो इधर आप गेमिंग के लिए परचेज कर सकते हैं, इधर लॉन्ग बैटरी लाइफ लाइक क्लासेज एंड ऑल दैट, और माइक्रोफोन भी कुल मिला के ठीक है। साउंड टेस्ट आपके लिए करा देता हूँ मैं। तो गाइस ये ईयर में और आपको बैंड साउंड यहाँ पे करता हुआ दिखेगा, एंड इसके अलावा स्टाइलिश भी ये ईयरबड्स दिए गए हैं। एंड अगर आपको प्रॉब्लम है लाइक आपको नहीं चाहिए सिलिकॉन टिप, देन डेफिनेटली इनका दूसरा वेरिएंट है जो कि आपको आता प्लास्टिक ईयर टिप्स में, मे बी उसमें आज भी लाइट नहीं है, मैंने वो प्रॉपरली चेक नहीं किया, बट इसमें आज भी लाइट है एंड काफ़ी कूल ये दिखता है। तो गाइस डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हैं इस ईयरबड्स को, गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, बट अगेन जीरो लेटेंसी नहीं है, लेटेंसी आपको 40 ms मिलेगी एंड 40 ms काफ़ी कम इम्पैक्ट करता है आपकी गेमिंग पे। तो अगर आप वायरलेस ईयरफोन चाहते हैं गेमिंग के लिए, ये हो सकते हैं अंडर 2000 rupees बेस्ट ईयरबड्स टिल्स। अब तक 60 ms वाले ईयरबड्स थे, 50 वाले भी थे, बट इस बजट में आई गेस ये फर्स्ट ईयरबड्स हैं जो आपको 40 ms की लेटेंसी देते हैं। आई थिंक BTG भी सेम देते हैं, BTG 2 and 1। ओके तो गाइस मुझे तो काफ़ी पसंद आई, एवरीथिंग काफ़ी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी, बस ब्लूटूथ वाइज 5.1 की जगह 2 होता है या 3 होता है, देन बेटर हो सकता था, बट कहीं ना कहीं ब्रांड को प्राइस कट करना ही था, तो क्यों ना ब्लूटूथ वर्जन पे। IPX5 है जो कि काफ़ी सही है, इवन जिम वगैरह रनिंग वगैरह में आप जॉगिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ईयर से फुल नहीं होंगे, ईयर ग्रिप काफ़ी अच्छी दी गई है। तो गाइज साउंड वाइज मैं इसको देता हूँ 9 marks out of 10 ओवरऑल, एवरेज स्पेक्ट, वॉल्यूम लेवल, बेस, एवन बैकग्राउंड जो म्यूजिक होता है स्मॉल ट्यून्स, पियानो, गिटार एंड एवरीथिंग वो आपको सुन जाता है। इस बजट में काफ़ी ऐसे टिल्स हैं जो आपको वो चीज़ नहीं देंगे, बट ये देते हैं। बैटरी लाइफ अगेन बोलूँगा हाईलाइट है, देन तो और क्या चाहिए आपको, सभी चीज़ मिल जाती है 2000 rupees में, तो बेस्ट ईयरबड्स हैं, डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हैं। मेरे ओर से बस इतना ही गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय बाय।